सत श्री अकाल, खबर पड़ताल वेख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ गगनदीप सिंह। खबर पड़ताल दे विच अज नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके चर्चा करांगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू दीआं खबरां हुण पंजाब दे विच सिखरां दे उत्ते ने। नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके कई कयास राईआं ने। नवजोत सिंह सिद्धू दे आउण वाले दिनां दे विच कई तरह के राज ने कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं कैबिनेट मंत्री दे अहुदे दे नाल नाल कोई होर अहुदे मिल सकते ने, जां सिद्धू दे लैके होर कई गल्लां ने। इन्हां सारियां गल्लां दे उत्ते खबर पड़ताल करांगे। साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला जी। डल्ला जी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद डल्ला जी। किदां वेख रहे हो फिर नवजोत सिंह सिद्धू दे आउण वाले दिनां दे विच फैसला हो सकदा है? देखो, हरीश रावत दा बहुत वड्डा बयान है, अखबारां च छपिया है जी, जिहदे विच हरीश रावत कह रहे ने कि 30 नवंबर तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन करना है जी। बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की हाईकमांड का ये दखल है, चाहना है कि हर हालत असी 30 नवंबर तक, अज असी 24 अक्तूबर च बैठे हाँ जी, सो 30 नवंबर नूं एक महीना तो 7 दिन रह गए जी, 30-31 नवंबर आने तक 30 का महीना होंगे। सो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन मतलब पंजाब जिहड़ा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ढांचा भंग है वह नवें सिरे तो बनाउणा है जी। फिर निश्चित तौर पर प्रधान भी नवें सिरे तो बनूगा जी, जनरल सकत्तर भी नवें सिरे तो बनणगे, होर लोग भी जनरल होर भी अहुदेदार बनणगे, जिला प्रधान भी बनाउणे ने। सो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन नवंबर तक कर देना है, क्योंकि सारे नूं पता है कि 2022 दीआं चोणां ने, और सानू यह भी पता है कि कांग्रेस गुटबंदी बहुत होंदी है, फुटबंदी बहुत होंदी है, हुण भी कांग्रेस टुटी पई है कई पासिओं, बिल्कुल जिवें पिल्ली इट भुरी होंदी है ना, बिल्कुल संगठन कांग्रेस का बहुत टुटिया पिया। देखो, जिला प्रधान ही है नहीं कोई कांग्रेस का जी, सारे अहुदे खत्म किए हुए ने, किन्ना समा हो गया, बिल्कुल। सो लोग उड़ीकते सी वी साडी सरकार आऊगी, क्योंकि जदों सरकार होंदी है ना, सरकार च जदों तुसी जिला प्रधान होंदे हो ते उह एमएलए वर्गा रुतबा लगदा लीडरां नूं जी, ते उह सारे प्रधान ही खत्म हो गए, सारे अहुदे कांग्रेस के जिहड़े पंजाब प्रदेश कांग्रेस का ढांचा ही भंग है, सिर्फ सुनील जाखड़ी प्रधान है जी। सो कल्ले ही प्रधान ने हुण पंजाब च, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। सो हुण हरीश रावत इस बयान तो बाद ये नवीं चर्चावां छुड़ गईं, देखो छिड़ गईं, नवजोत सिद्धू दे नाल राबता बनाया हरीश रावत ने जी, हरीश रावत समझते ने नवजोत सिंह सिद्धू की अहमियत, यह भी पता लग्या उत्तों प्रियंका गांधी का भी इशारा है कि नवजोत सिंह सिद्धू असी अगली कतार की लीडरशिप अगे लैके आनी है, उन्होंने उभार देना है। और हरीश रावत लगातार सिद्धू के राबते च ने, 20 तरीक न जिदन खेती कानून सोध मते पास होए ने, उदन जन्मदिन भी सी सिद्धू का, उदन हरीश रावत सिद्धू आपस च केक कट रहे सी, केक कटन नू लैके भी हासा मजाक होया दोनों च, वो कहना मैं कटदा, वो कहना मैं कटदा, बिल्कुल। सो ये भी चीज़ा आप हुंदिया सुभाविक तौर पर, एक दूजे नू इज्जत देनी हुंदी है वी तुसी कटो, पहला वो कहना नहीं तुसी वड्डे हो तुसी कटो जी, वी जन्मदिन तो मेरा ही है, जन्मदिन नहीं बदलता। सो भाव कि नवजोत सिंह सिद्धू नू हुण मेरी नज़र च प्रधान लाया जा सकता है पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और सिद्धू प्रधान तो अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करूगा। सिद्धू देखो ना तो मंत्री बनता जी, हुण कैप्टन अमरिंदर की सरकार च सिद्धू मंत्री नहीं बनता जी, ना सिद्धू डिप्टी मुख्यमंत्री बने, और कोशिश कांग्रेस की यह है कि सिद्धू वर्गा लीडर किसी भी कीमत पर असी हुण अगे लैके आना है जी। उन्हों सिद्धू देखो केंद्र च भी कोई ना कोई थां मिलू, पंजाब च मैनू लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधानगी दे देणगे, और जे सिद्धू नूं प्रधानगी मिलती है कितने ना कितने पंजाब की कांग्रेस नवीं जान आ जूगी, और अणगिणत सिद्धू नूं चाहुण वाले ने, सिद्धू नूं पसंद करन वाले ने, सिद्धू की ईमानदारी नूं, सिद्धू दे स्टैंड नूं पसंद करन वाले लोग ने, कितने ना कितने वो जिहड़े सारे लोग ने जी, वो कांग्रेस नूं इह लगदा वी असी हुण सिद्धू करके इन्हां दी वोट कितने ना कितने सानूं मिल सकदी जी। सो यह भी जिहड़ी गल है ये देखने वाली है, इस करके उन्हां दी पूरी कोशिश है कि असी नवजोत सिंह सिद्धू नूं किसी भी तरह मना लीए। देखो, हरीश रावत ही सी जिहड़े मोगे वाली राहुल की रैली च लैके गए नवजोत सिंह सिद्धू नूं, बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां दी कार च भी रहे काफ़ी देर, फिर विधानसभा सैशन च सिद्धू नूं लैके गए, और विधानसभा सैशन च सिद्धू कैप्टन अमरिंदर तो बाद बोलिया जी। हालांकि पहला कई लोग, मैं कई साढ़े अखबारों वाले भी मैं रिपोर्टा पढ़िया कहिंदे कि सिद्धू ने जिहड़ी गल कीती मोगे की रैली च खुल दिली दे नाल, उहदे तो एक बारी फिर कांग्रेस नाराज़ हो गई जी। जे मोगे की रैली दे सिद्धू दे भाषण तो कांग्रेस नाराज़ हुंदी तां कैप्टन अमरिंदर तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू बोलदा विधानसभा च, तुसीं दसो? नहीं, बिल्कुल नहीं सी। जे सिद्धू नूं पिछे लाउणा हुंदा जी ते फिर सिद्धू बोलदा? सो सिद्धू तो बुलवाया गया, क्योंकि कांग्रेस की हाई कमांड भी चाहती है कि सिद्धू भी एक सोच समझ के
राजनीतिकरण वाला लीडर है। बिल्कुल पंजाब के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को विजन है। देखो सिद्धू दी गल्लां तां सारियां खड़ियां ने, वह कहिंदा सी शराब माफिया खत्म कर दो नहीं किया, आज औखी है कांग्रेस। वह कहिंदा सी रेत माफिया खत्म कर दो नहीं किया। केबल दे उत्ते गल करदा सी सिद्धू, कोई सुधार नहीं होए जी। सिद्धू शराब ते रेते ते ट्रांसपोर्ट ते, ट्रांसपोर्ट दे भी कोई सुधार नहीं। सरकारी बसां साडियां कमजोर ने, मेरे वांग घसे होए उन्होंने टायर जी। ते जिहड़ियां प्राइवेट बसां ने वह लिशकदियां, बिल्कुल प्राइवेट बसां लिशकदियां ने। हालांकि हुण इह चाहीदा सी कि साडियां सरकारी बसां दी गलबात ही होर हुंदी। बिल्कुल सो इस करके उह सिद्धू दे सारे मुद्दे अज भी ज्यों दे त्यों खड़े ने। और किसान मसलों से भी सिद्धू ने अपनी गल बड़ी बेबाकी दे नाल रखी है कि कानून बनने किवें चाहिए ने। इस करके मैनू ये लगता है कि जिहड़ी सरगर्मी कांग्रेस अंदरों अंदर ही आई है, ये हुण नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधानगी देण दी तैयारी है। और मैनू ये लगता है कि ये काम हुण हो जाना है जी। डल्ला जी इस करके सिद्धू कांग्रेस च सरगर्म होया, नहीं तो सिद्धू ने घर बैठे रहना। बिल्कुल डल्ला जी चर्चावां ये भी ने कहते कि नवजोत सिंह सिद्धू तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां दी एक मीटिंग जलंधर शहर दे विच हुई है, तो उत्थे इन्हां नूं एक कहिंदे ने वी डिप्टी सीएम दे अहुदे दी भी पेशकश की गई, जां फिर इहदे नाल ही इन्हां नूं प्रधान की भी कार्यकारी प्रधान की पेशकश भी हुई है, कैबिनेट मंत्री दे नाल हुई हुई है। देखो मीटिंग नूं किसी ने भी अधिकारिक तौर पर हजे तक उहदी पुष्टि नहीं की जी। मीटिंग बारे पक्का नहीं पता, मैं नहीं कहूँगा मीटिंग हुई है क्योंकि मैनूं पक्का नहीं पता मीटिंग हुई है कि नहीं हुई जी। हुण जे किसी नूं पक्का ही नहीं पता मीटिंग हुई है या नहीं हुई, जिहड़े लोग खबरां ला रहे ने वी मीटिंग हुई, उह कहिंदे उह भी पक्का नहीं कहिंदे मीटिंग हुई है। बिल्कुल उह भी सूत्रां दे हवाले नाल कहिंदे आ जी। उहनां नूं जद तक मीटिंग दा ही नहीं पता वी उह पक्की हुई कि नहीं, इह किवें पता लग गया वी अंदर डिप्टी मुख मंत्री दा उहदा वी देता ऑफर करती, प्रधानगी भी ऑफर करती। सो इह पोलिटिकल क्यास ने। पत्रकार भी साढ़े कई बार सोच समझ के चीज़ां नूं एनालाइज करते हैं जी। सो मैनूं इह लगता कि जिहड़ा उहनां दा एनालिसिस है ये उहदे आधार दे उत्ते ये गल बाहर आई है, बाकी कोई वड्डी गल नहीं, मीटिंग कर भी सकते हैं जी। पर यह पता कर लो भी कैप्टन अमरिंदर जलंधर गया जी, चुप चुपीते लुकमे रूप च कितें गया होवे गल वखरी है। सो जे कैप्टन अमरिंदर ते सिद्धू की मीटिंग भी होनी होंगी तो मैनूं लगता फिर वो चंडीगढ़ ही हो जानी सी, जिथे किसी नूं पता भी नहीं लगता, जलंधर नहीं सी होनी। सो मैनूं लगता है हुण कल जिवें गल हो रही है भी मीटिंग हुई है, मैनूं नहीं लगता कि यह कोई मीटिंग हुई है। जे कोई मीटिंग हुई होंगी तो जरूर गल बाहर आ जानी सी। पर हाँ हरीश रावत के नाल लगातार मीटिंगां चल रही ने नवजोत सिंह सिद्धू दियां, उहदे तो असीं अंदाज़ा ला सकते हैं कि हरीश रावत एक सूत्रधार बने हुए ने, क्योंकि उन्हां वो जिम्मेदारी लैके आए ने, वो जनरल सकत्तर इंचार्ज ने, वो प्रभारी ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। कांग्रेस की हाईकमान ने उन्हां नूं कार्ज दे के भेजिया कि मन मिटा खत्म करना है, कांग्रेस नूं असीं पंजाब च इक करना है, क्योंकि कांग्रेस नूं पता है कि दो तीन तो साढ़े को सूबे रह गए। बिल्कुल कांग्रेस भी सुंगड़ के देखो 44-45 सीटां ती आ गई, पंजाब तो हेठां ही है। बिल्कुल हुण जे आ दो तीन सूबे रह गए, जे आ राजस्थान रह गया, पंजाब रह गया, कल्ले तो आही अमरखल। बिल्कुल और कला सूबा तो बाकी तो मिल जुल के ही है कांग्रेस वाले जिहड़े हैगे जी। सो इस करके हरीश रावत नूं टीचा दिता हाईकमांड ने कि स्ट्रीमलाइन करो, मुहब्बत बनाओ पंजाब दे, कांग्रेस सब तो वध फुट पंजाब दी कांग्रेस च है जी। प्रताप बाजवे का सुर वखरा, शमशेर दूलों का सुर वखरा, कैप्टन अमरिंदर दी दूलों नाल नहीं बनती, बाजवे नाल नहीं बनती आपस च। सो सिद्धू नाल खुल के कभी जिहड़ी है वह उस लैवल ते कभी लड़ाई कैप्टन दी नहीं गई। हालांकि जिहड़ी नवजोत सिंह सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर दे विच जिहड़ी तलखी पैदा हुई सी वह लोक सभा चोणां दे नतीजे तो पैदा हुई सी, उदों थोड़ी जी तलखी पैदा हुई सी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक दूजे के खिलाफ बयान किसी ने नहीं दिते, ना कैप्टन ने ना सिद्धू ने। डल्ला जी आने वाले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू नूं अहुदा मिलदा है तो कि क्योंकि धड़े बहुत ने कांग्रेस के कैप्टन तो जाखड़ साहब का अपना धड़ा मनिया जाता है, शमशेर दूलों तो प्रताप बाजवा उन्होंने अपना धड़ा मनिया जाता, दो चार धड़े होर भी ने कि वो एक्सैप्ट करनगे इस चीज़ में कि नवजोत सिंह सिद्धू एडा अहुदा दिता जाए, क्योंकि शमशेर सिंह दूलों हमने देखिए तो बहुत पुराने ने। देखो नवजोत सिंह सिद्धू नेरी है जी, जे मोगे की रैली च जाके बाकियों के मुकाबले देखो कैप्टन अमरिंदर तो पहला प्रधान सुनील जाखड़ तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू बोलिया जी, होर कोई क्यों नहीं बोलिया। विधानसभा कैप्टन अमरिंदर तो बाद सिद्धू बोलिया, होर कोई क्यों नहीं बोलिया जी। सो जे नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान बनाता तो सिद्धू नूं अपने आप सारे ने सिद्धू के पिछे लग जाना है। बिल्कुल क्योंकि सिद्धू कोले राजनीति करन दा करिश्मा है। और दूसरी वड्डी गल, सिद्धू ने मुद्दियां दी राजनीति कीती है, सिद्धू पंजाब दे इशू नूं लैके गंभीर रहा जी। सिद्धू नूं कहा भी तू पंजाब च घट सरगर्म रहा, उन्हें राजसभा छड़ती जी। सिद्धू नूं कहा भी तेरे करके शहरी सीटां हारे आ, वह कहिंदा मैं नहीं मंत्री बनदा जी, भी तुसी मेरा गलत एलीगेशन ला के मेरा मंत्रालय बदल दियो। वो उस दिन महीना पहला ही अस्तीफा दे आया सी जी, अस्तीफा दिंदे ही वो कोठी चो अपना समान चक के लै गया सरकारी,
नहीं तो सरकारी लीडर तो सरकारी कोठी छड़ जाएगी तो छेती छेती बिल्कुल एड्डी वड्डी कोठी होंगी चंडीगढ़ चो भी सरकारी बाहर गनमैन अंदर घा साफ करने वाली मशीन माली मूली सारा कुछ होंगे जी सारा कुछ उन्होंने अपना थोड़ी लगता सरकार दिंदी बिल्कुल मंत्री छड़ता जी कोठी सरकारी बिल्कुल मैं तो कई यही जे देखे है संसदीय सकत्र मैं एक संसदीय सकत्र उन्होंने सरकारी कोठी मिली उन्हें अंदर एन वधिया फर्निश्ड कराता ए लकड़ लोकड़ कंधा ते लवा के उन्हें तो जन्नत बनाती सी मैं देखी सी वो कोठी जी हुण भी होनी है हुण मैं नाँ नहीं लैंदा वो किहदी है मतलब कि सरकारी कोठी तो चाह ही बड़ा हुंदा लीडरां नूं जी अगले कहिंदे चंडीगढ़ रहिण नूं मिल गई सानूं सरकारी कोठी रिश्तेदारां च ठुक सियासत च ठुक बिल्कुल सो इस करके सिद्धू ने वो छड़ता सिद्धू बेसिकली सिद्धू मुद्दियां ते सियासत करन वाला लीडर जी सिद्धू ने मुद्दियां ते सियासत की है पंजाब दे मुद्दियां ते सिद्धू गंभीर है जे वो घर भी बैठा है तो वह पंजाब के इशूज़ नू लैके गंभीर रहा वो चैनल से सिद्धू के जिहड़ियां वीडियोज़ आउंदियां ने उहदे तो पता लगता है कि सिद्धू की गंभीरता की है पंजाब के इशूज़ से सिद्धू गंभीर है पंजाब के मुद्दों से और उन्हें कोई मुद्दा छड्डिया नहीं ना उन्हें रेत माफिया छड्डिया ना उन्हें शराब का छड्डिया उन्हें सिद्धांतिक तौर पर कोई समझौता नहीं किया जे उन्हूं कांग्रेस का प्रधान भी बनाउंदे ने हुण तो सिद्धू अपने मुद्दों के नाल समझौता नहीं करूगा बिल्कुल और जिहड़ी तुसीं गल कही है भी डिप्टी सीएम की सीट ऑफर हुई है सिद्धू कदे डिप्टी सीएम नहीं बनता मेरी नज़र च सिद्धू मुख्यमंत्री नहीं बनता आ छे महीनों का ताज कद है बिल्कुल ये तो जानी वार की खेड है हुण तो 2022 दी चोणां ने समा की रह गया यह भी नहीं पता किसान अंदोलन से जो कुछ बन रहा माहौल जी यह भी नहीं पता कि केंद्र नाल सरकार बरखास्त कर दे या कि कांग्रेस वाले इस्तीफे ही ना दे देन छे महीने पहले यह भी काम हो जाता होंगे जिमें पानिया के मसले पर होया जी पिछली बारी पानिया के मसले पर कांग्रेस के 30-40 सी मेरे ख्याल सारे MLA ने इस्तीफे देते सी हालांकि वह समा तो विधानसभा चोणां नेड़े ही सी जी सो हुण भी किसान अंदोलन अग देखो हुण JP नड्डा का बयान आ गया कल जी किसानों पर मोदी का बयान आ गया भी असी इन्हां च देश बदला नहीं करूगा हुण किसान तो कुछ ना कुछ अंदोलन करनगे ना उन्हां नूं समझाउण लई बिल्कुल जे अंदोलन वध है तो केंद्र सरकार दे नाल किसानां दा अंदोलन वध है तो सूबे की सरकार नूं किसानां नाल खड़ना ही पैना पंजाब की हर पार्टी नूं खड़ना पैना किसानां नाल तो फिर यह भी हो सकता कि 6 महीने बाद सरकार जां डिग जाए जां डिगनी पै जाए जी ये भी चीज़ां हो सकदियां सो सिद्धू डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं बनता मंत्री नहीं बनता सिद्धू बनूगा तो प्रधान बनूगा क्योंकि प्रधान बन के ही सिद्धू का टीचा सर हुंदा है जी ते जे नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनते ने तो प्रधान बनने तो बाद कि जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हुण कहिंदे ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू दे रिश्ते साजगार हो चुके ने वधिया हो चुके ने इह रिश्ते उसे तरह चलणगे फिर उही गल ते मैं वापस आ रहा सी कि जे अहुदा मिलदा जी नवजोत सिंह सिद्धू नूं ते कैप्टन अमरिंदर नाल रिश्ते देखो रिश्ते तो सुधर ही गए जी कैप्टन अमरिंदर ने जन्मदिन दीआं वधाइयां दित्तियां नवजोत सिद्धू नूं और कैप्टन ने यह भी कहा कि मैनूं पता नहीं सी कि जिदन सैशन है उदन ही सिद्धू का जन्मदिन है मैं उस टाइम मुबारकां दे दिंदे जी कैप्टन ने भी खुल दिली जिन्हों कहने असी कि वड्डा दिल दिखाया अपना वड्डापन दिखाया और सियासत कोई भी पक्का दोस्त नहीं हुंदा पक्का दुश्मन नहीं हुंदा देखो अकाली ते BJP पक्के दोस्त नहीं सी 22-23 साल की जिहड़ी दोस्ती सी वो टुट गई बिल्कुल इहदा मतलब है पक्के दोस्त नहीं सी जी सो यह भी नहीं पता कल फिर पक्के हो जाण फिर आपस च 9 मास का रिश्ता जुड़ जाए बिल्कुल इसे तरह कैप्टन अमरिंदर ते नवजोत सिंह सिद्धू की गल है सियासत दे विच कोई पक्का दोस्त नहीं कोई पक्का दुश्मन नहीं तुसी देखो जिहड़ियां पिछलियां लोकसभा दीआं चोणां सी जी उह तों पहलां कांग्रेस ते आप वाले नेड़े होण लग गए सी जी उदों तां केजरीवाल इह वी कहण लग गया सी वी जे दिल्ली च कांग्रेस नाल समझौता हो जाए पार्लीमेंट दीआं चोणां च तां वधिया हो जू जी आ हुण फिर एक दूजे दे सियासी दुश्मन बण गए बिल्कुल सो जे आप ते कांग्रेस नेड़े हो सकदी दूर हो सकदी इह वक्त है सो ये वक्त दीआं गल्लां ने सियासत च देखो जदों कैप्टन अमरिंदर नूं पता लग गया या जदों नवजोत सिंह सिद्धू नूं बना ही प्रधान दिता जी या कोई अहुदा देता फिर कैप्टन अमरिंदर नूं पता है भी ये हाई कमांड का फैसला है पार्टी का फैसला है जी कैप्टन भी तो मुख्यमंत्री पार्टी के फैसले नाल है ना जी सो पार्टियां के फैसले की फिर खुल के विरोध तो नहीं की जाती जी जी तो डेला जी प हुण जे पंजाब दे विच नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी अहुदा मिल गया मान लैने आ तो इस दे नाल ही जे कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी गल करिए मानते हो कि सियासी पंडितों की भी गल करिए उन्होंने ये गल कहनी है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो विधानसभा दे विच भाषण से उन्हें कैप्टन साहब का दिल पिघलाता तो हुण कैप्टन साहब इस करके नरम हुए ने नहीं देखो मैं इन्हां पासे नहीं जाता भी किसी का दिल पिघल गया कोई नरम हो गया ये एक रणनीति है कांग्रेस पार्टी की रणनीति है भी असी सिद्धू नूं भी ताकत देनी है जी तो कैप्टन अमरिंदर उन्होंने कहता भी तुसी बतौर मुख्यमंत्री अपना काम करते रहो जी देखो कैप्टन अमरिंदर ने भी तो कहा सी ना भी यह मेरी आखिरी चोण है
ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਬਦਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ UPA ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ 7 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮਟਾਵ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ 'ਚ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਛੱਡਈਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਹਾਲਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸੋਫਿਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕਈ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਲਿਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖੋ ਲਿਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਲਿਪ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ BJP ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ BJP ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਾਂ ਉਹ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ PDA 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ PDA ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ PDA 'ਚ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਬਸਪਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨਮਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਗਈ ਲਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਜਾਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੜ ਲਈ ਕਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੜ ਲਈ ਸੋ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਪ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਿੱਟੀ ਹੈ ਗਿੱਟੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਗਿੱਟੀ ਵੀ ਨੇ ਗੋਟੀਆਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਧੂ ਸੱਦਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
स्थिर रहेंगे क्योंकि जिस तरह किसान संघर्ष चल रहा है, किसान संघर्ष आने वाली सरकारों का भी फैसला कर सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद डल्ला साहब इस चर्चा के विच आने के लिए। सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।